आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो जो लेके आए हैं वह राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट के जो आपके एडमिट कार्ड हैं, जो प्रवेश पत्र हैं वह आ गए हैं। उन्हें आपको कैसे डाउनलोड करना है वह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देना था कि हमने इस चैनल में आपके मीन्स कम मेरिट कि जो छात्रवृत्ति जो पेपर हैं, एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, दोनों सेटों के कंप्लीट जो पीडीएफ के साथ जो है वह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको पीडीएफ। और जो भी जो क्वेश्चन है उन्हें समझाते हुए हमने इसमें वीडियो अपलोड कर दिया है हमारे प्लेलिस्ट में। आप वहां जाके उस प्लेलिस्ट से पूरे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके इस वीडियो में पूछ लीजिएगा। तो मैं अभी आपको सबसे पहले बताता हूँ आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे कहाँ से, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको पेपर के लिए कहाँ से तैयारी करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप आसानी से क्वेश्चनों को हल करके बिल्कुल जो एग्ज़ाम है उससे क्वालिफाइड कर सकते हो। फाइट करने के साथ साथ आपको मेरिट में नाम भी लाना पड़ेगा जिससे कि आपको छात्रवृत्ति मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक नोटिस आया है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में देखिए, यहाँ पर विषय हम डायरेक्ट देखते हैं। विषय है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत दिनांक 6/11/2022। आपको भी पता है कि आपके एग्ज़ाम कब हैं, 6 नवंबर को हैं। इसलिए प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में यह एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में क्या क्या है वह जानिए। आपको एडमिट कार्ड कैसे मिलेंगे वो अब यहाँ से पता चलेगा। विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा दिनांक 6/11/2022 को आयोजित की जानी है। आपको भी पता है ये वाली बात तो, कि आपके जो पेपर हैं 6/11/2022 को होने वाले हैं। इस हेतु छात्रों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं जिन्हें ब्लॉक स्तर पर BRC की लॉगिन द्वारा डाउनलोड करके संस्थावार संकुल प्रभारी को प्रदान किया जाएगा। संकुल प्रभारी का पूर्ण दायित्व होगा कि प्रवेश पत्र निर्धारित समय सीमा से पूर्व छात्रों तक पहुंचाए जाए, जिससे छात्र अपने अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र और आवश्यक निर्देशों से अवगत हो सके। इन सब जानकारी से एक ही बात समझ आती है कि जो आपको एडमिट कार्ड हैं वह आपके स्कूल से ही प्रदान किए जाएंगे। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा ही आपको दिया जाएगा। अब बात रही कि प्रिंसिपल या कोई भी स्कूल टीचर कैसे इस जो एडमिट कार्ड है उन्हें कैसे डाउनलोड कर सकता है, तो वह भी हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो चलिए आप लोग कैसे कोई भी जो टीचर है वह कैसे डाउनलोड कर सकता है एडमिट कार्ड बच्चों की, तो चलिए देखिएगा। यहाँ पर प्री बच्चों, प्री टीचर, आप लोगों को करना क्या है, आपके क्रोम ब्राउज़र या कोई भी आपके पास जो ब्राउज़र है उसे ओपन करना है और वहां पर सर्च करना है आपको RSKMP। इतना सर्च कीजिएगा और जैसे ही सर्च करेंगे आप तो आपके पास जो विंडो ओपन हो के आएगा उस विंडो में आपको सबसे पहले वाले विंडो में ये जो लिखा RSKMP.GOV.IN उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिक आईडी और पासवर्ड जो वहाँ के संकुल प्रभारी हैं उसके पास या प्रिंसिपल या कोई भी टीचर अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो सकता है। यहाँ पर आपको यूनिक आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है और इस स्थान पे आपको कैप्चा डाल देना है जो ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला जैसा लिखा है वैसा ही आपको डालना है। उसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगा, वह विंडो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस प्रकार के से आपके पास एक विंडो ओपन होगा। आपको इस विंडो में करना क्या है, इस विंडो में इस 3 लाइन ये दिख रही होंगी आपको, यहाँ पर ये 3 लाइन, इस 3 लाइन पे क्लिक करना। 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शनों में आपको NMMSS को क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही NMMS को क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से फिर ऑप्शन दिखेंगे, उन ऑप्शनों में आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं आपके पास एक विंडो इस प्रकार का और दिखेगा। इस प्रकार का जब विंडो आपको दिखे तो यहाँ पर आपको ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में आपको यहाँ पर देखिए, इस जगह में आपको यहाँ पर आपके स्कूल, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आईडी को तो यहाँ पर आपको आपके स्कूल का डाइस कोड और आपके स्कूल का नाम दिखेगा। उसके बाद आपको इस शो बटन पे क्लिक करना। जैसे ही आप शो बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा जो है मतलब एडमिट कार्ड आपके सभी बच्चों का वह आपके सामने निकल के आ जाएगा।
इसके बाद भी अगर बच्चों अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा। और एक बात, अब आपको पढ़ना कैसे है तो पढ़ना इसी चैनल के माध्यम से, इसी चैनल में आपको राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे विज्ञान के हो, गणित के हो, रीजनिंग के हो, कोई भी सब्जेक्ट के हो, सभी सब्जेक्ट, इतिहास, ज्योग्राफी, जो सब है, उन सभी सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया गया है। और कुछ वीडियो अभी अपलोड हो जाएंगे जो मेन है, जो पेपर में आने ही वाले क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आया जाएगा। वह श्रृंखला कल से चालू होने वाली है, आप कल से उस वीडियो में मतलब कि उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करोगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपके आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। इसके लिए आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। और एक बात, आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।